हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कार के लो प्रोफाइल टायर कैसे कर सकते हो। जैसे कि इस कार के भाई, तो आपके कार की ये रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं लो प्रोफाइल टायर। तो इसे किस तरीके से करते हैं, तो इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर से देखनी है। तो सबसे पहले तो मैं दूसरी गाड़ी ले लेता हूँ जिसके नॉर्मल टायर है। तो जैसे कि ये, तो आप देख सकते हो इसके नॉर्मल टायर है और इसके लो प्रोफाइल टायर है। तो दोनों में कितना अंतर है आप देख ही सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको गैरेज के आइकन पे जाना है। गैरेज के आइकन पे जाने के बाद आपको इस आइकन पे जाना है। इस आइकन के जाने के बाद आपको आपको इस आइकन पे जाना है। इस आइकन पे जाने के बाद आपको ये जो एरो है, ये एरो को 3-4 बार क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर देता हूँ। तो आपको क्लिक करते रहना है। उसके बाद आपको दिखेगा व्हील्स का ऑप्शन, यानी टायर बदलाने का, चेंज करने का ऑप्शन। तो यहाँ से आप कौन सा भी टायर बदला सकते हो, आपको जो जो डिजाइन चाहिए वो। जैसे कि ये मैं टायर ले लेता हूँ। और उसके बाद आपको अगर लो प्रोफाइल करना है, तो आपको ये दिख रहा है ना, ये व्हील्स का आइकन, इसको ना आप ऊपर करोगे तो आपके अलॉय व्हील्स बढ़ती जाएगी। अगर आपको इसको नीचे करना है तो आपके अलॉय व्हील्स कम होते जाएंगे, आप देख ही सकते हो। तो आपको अगर लो प्रोफाइल टायर करना है तो आपको पूरा ऊपर तक खींच देना है। तो ये कैसे लो प्रोफाइल टायर हो चुके हैं। तो आपकी मर्ज़ी से आप किधर भी इसको करके अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, पर मैं आज की वीडियो में लो प्रोफाइल टायर करने वाला हूँ, तो मैं लो प्रोफाइल कर देता हूँ। उसके बाद आपको बैक चले जाना है, फिर से बैक, एक और बार बैक। तो आपके देख सकते हो अब लो प्रोफाइल टायर हो चुके हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।